सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली ये ट्रेंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिसका नाम है फोटो लीप। आप इजीली प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। देन जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए, आप बहुत जल्दी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये ट्रेंड आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल में है, तो इसे आप बहुत इजी तरीके से इस ऐप की मदद से बना सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक सेक इफेक्ट है जो आप कैपकट की मदद से डाल सकते हो, ठीक है, तो वो आगे बताएंगे। फिलहाल आप जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हो अपने फ़ोन में, इसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, फोटो को अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, वरना पिंटरेस्ट की मदद से डाउनलोड कर सकते हो फोटो। तो इधर आप कोई भी अपना टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है, बेसिकली जिसके लिए भी आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए ऊपर। जैसे मैं एक रेलवे स्टेशन की, जैसे आपने देखा हो मेरा रेल की थी, तो मैं उसे ले लूँगा, ठीक है। एक तो इसे आपको बेसिकली ढूंढ लेना है, जो भी आपको पसंद आती है उस पर आपको क्लिक करके इधर 3 डॉट पे जाके डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका इजीली इमेज डाउनलोड हो जाती है गैलरी। सो गाइस, इसी के बाद आपको अपना फोटो लीप ऐप ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाता है, जस्ट ओपन करो ऐप को, कुछ ऐसा आपका खुल जाएगा, ठीक है। एडिट फोटो पे जाओ, इधर से जो भी हमने फोटोज़ लिए हैं, मैंने आपको सिर्फ 3 फोटोज़ लेके दिखाई हैं, आप और भी ज़्यादा ले सकते हो। तो जैसे कि पहली फ़ोटो हमारे ये था, ठीक है, रेलवे स्टेशन वाली। इसमें जाने के बाद आपको ये AI फिल्टर को यूज़ करके सीन्स में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली इसे ले लेगा, ठीक है। तो इधर आप बदल भी सकते हो, बट इसमें घास ज़्यादा हो जाएगी आपकी, जैसे देख सकते हैं, शायद ऐसे ही कुछ होगा इसमें। सो गाइस, ये ऐसा आपका स्कैनिंग करेगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो घास, ट्रेन के ऊपर भी घास आ चुकी है। तो मैं अपना पहली वाला लेके इसे क्लिक कर देता हूँ, एंड इस जैसे हमारा सेव हो जाए तो इसे हमें कीप। सो गाइस, ऐसे इजीली आप सेव कर लोगे, सेव टू गैलरी पे हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर से आपको एडिट फोटो पे आना है, ऐसे 3 और आपको अपनी फ़ोटोज़ ऐसे ही कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने, मेरा दूसरा ये फ़ोटो है, तो वहीं हम AI फिल्टर पे जाएंगे एंड सीन्स पे जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके उसे वैसा कर देगा AI जैसा। फिर हम अपना ओके करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और अपना ऑटोमेटिकली सेव कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी आपको, सो गाइस, अपना आपको तीसरा फोटो भी कुछ इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डन। सो जैसे आपको राइट टिक पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है कि आना है अपने कैपकट ऐप पे, बिकॉज आपको पता होगा सेक इफेक्ट आपको लगाना पड़ेगा और छोटी सी एडिटिंग आपकी बची है। तो बेसिकली कैपकट ऐप ओपन करने से पहले आपको VPN जरूर कनेक्ट करना रहता है। सो गाइस, VPN किसी हाई स्पीड का आप लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैं VPN कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। VPN कनेक्ट करने के बाद कैपकट ओपन कर लो, ऊपर देख सकते हो VPN कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अपनी फोटोज़ वाले ऑप्शन पे आओ। सबसे पहले पुरानी फोटोज़ लो, ठीक है, मतलब एक फ़ोटो पुरानी और फिर अपनी जो एडिट करी है वो। जैसे कि मैंने ये रेलवे स्टेशन वाली पहली ली, एंड इसके बाद मैंने दूसरे पे क्लिक करा जो मैंने इस समय न्यूली मतलब सेव करी है, ठीक है। ऐसे कर करके हम अपना ऐड कर लेंगे रखा है, ठीक है। तो अब वैसे ही हमारा इधर जुड़ भी जाएगा, ठीक है। अब आपको छोटा सा एडिटिंग करना है, सबसे पहले म्यूज़िक ऐड कर लो जल्दी से। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल, सॉन्ग के हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ रखनी है, बट थोड़े थोड़े समय के लिए हम ईजिली रख सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉन्ग सुनने के हिसाब से अपनी फ़ोटो को एडिट कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, अब अपना सेक इफेक्ट लाना है। सेक इफेक्ट लाने के लिए आप सिंपल सा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आओगे, इधर से आपको कैमरा सेक को ले लेना, ठीक है। ऐसे नीचे करोगे तो आपको इधर ही दिख जाएगा, ठीक है। तो इसे करने के बाद आपको इजीली क्लिक कर देना है, एंड इसे पूरा अपना रखना है जहाँ तक आपका मतलब बिना एडिट करा फोटो है, ठीक है, उसे। तो इसके बाद इसे कॉपी करो, एंड कॉपी करके फिर इधर पे रख दो, दोबारा से लेने की ज़रूरत इसे नहीं है। फिर से आप इसे कॉपी करो, फिर से उस फोटेज पे रख दो, ठीक है गाइस। तो आपका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो। बाकी आपको इधर ऊपर लिखना भी है जो आपको उस आपकी वीडियो में आप उसे लिख भी सकते हो। लिखने के लिए आपको सिंपल सा टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके लिख लेना है, ठीक है। सो इतना ही था वीडियो में, उसके बाद जस्ट इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इधर से, एंड आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।